भारतीय रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर के बैंक आईडीबीआई पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि आईडीबीआई के शीर्ष प्रबंधन ने एनपीए के बारे में तय नियमों के अनुसार जानकारी नहीं दी थी। आरबीआई के मुताबिक आईडीबीआई ने 6,186 करोड़ के खराब लोन के बारे में जानकारी नहीं दी, जो कि आरबीआई को बाद में जाकर पता चला। ये लोन राशि वित्त वर्ष 2016 की है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक सभी बैंकों के लिए एक नियम है, अगर उनका एनपीए 15% से ज्यादा होता है तो इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। आईडीबीआई का 1/4 से लोन एनपीए हो चुका है। आईडीबीआई इसको सही करने की कोशिश में भी लगा है। आरबीआई इससे पहले कई बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है। एक्सिस बैंक को 3 करोड़ रुपए, इसके अलावा यस बैंक को 6 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई बैंक को 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। वित्त वर्ष 2017 में भी आरबीआई को अन्य बैंकों के बारे में इस तरह की जानकारियां मिल चुकी हैं। इसके बाद इन पर आगे चलकर जुर्माना लगाया जा सकता है।